जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है बुद्धिमान कौवा और चूहा। आइए कथा श्रवण करें। दक्षिण देश के एक प्रांत में माहिलोय नाम का एक नगर था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक काले रंग, फटे पांव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी। उन्हें व्याध के चुंगल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहाँ सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब वह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच में ना जाए, उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल वृक्ष की तरह मानते रहे। किंतु इस बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां आया। इसका मुखिया चित्रग्रीव नाम का कबूतर था। लघुपतनक के बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच को ना रोक सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार व साथियों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वे अब अधिक फड़फड़ाते या उड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो व्याध उन्हें मार देगा। इसलिए वे अब अधमरे से हुए जाल में बैठ गए। व्याध ने भी उन्हें शांत देख मारा नहीं, जाल समेट कर वह आगे बढ़ चला। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध निश्चित हो गया और उसका ध्यान दूसरी ओर गया है, तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत दिया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया। लघुपतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध का डर नहीं है, तो उसने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। वहाँ मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वहाँ हिरण्यक नाम का चूहा अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज़ लगाई। वह बोला, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है? चित्रग्रीव ने कहा, मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहाँ अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। किंतु चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देख वह चिंतित भी हो गया। उसने पूछा, मित्र यह क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा, जीव के लालच में हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा, तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो,
बाद में मेरे काटना। चित्रग्रीव, यह मेरे आश्रित हैं, अपने घर बार छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र, अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज़ बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन काटने शेष रह गए हैं? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। कौवा बोला, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। चूहे ने कहा, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। कौवे ने कहा, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है, कभी मैं बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक चूहा बोला, तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। कौवा बोला, मित्र, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। चूहे ने कहा, हम सहज बैरी हैं, हम में मैत्री नहीं हो सकती। कौवे ने कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हमसे बैर कैसा? चूहे ने कहा, बैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम, तुम मेरे सहज बैरी हो। कौवे ने कहा, मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। चूहा बोला, जो वैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। कौवे ने बहुत विरोध किया, किंतु चूहे ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब कौवे ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूँगा। चूहे ने कौवे की यह बात मान ली, किंतु कौवे को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा नहीं करेगा। तब से दोनों मित्र बन गए। ये नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौवा कभी इधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट देता था। मित्रता में आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर कौवे ने चूहे से कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश मैं चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया है, लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा, घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं, मैं तो भाग्य से ही बच गया, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं। चूहे ने कहा, कहाँ जाओगे मित्र?
कौवा बोला, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है। वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। चूहा बोला, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी यहाँ बहुत दुख है। कौवे ने कहा, तुम्हें किस बात का दुख है? चूहा बोला, यह मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। कौवा बोला, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? चूहे ने कहा, मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहाँ ले चलो। कौवा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह सपात आदि आठों प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है, वह उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। कौवे को उसने पहचाना नहीं। तब कौवा चूहे को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक मंथरक, मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूँ। कौवे की आवाज़ सुनकर मंथरक खुशी से नाचता हुआ बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। चूहा भी तब वहाँ आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। मंथरक से लघुपतनक ने पूछा, यह चूहा कौन है? भक्ष्य होते हुए भी इसे अपनी पीठ पर कैसे लाया? लघुपतनक कौवे ने कहा, एक हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है, बड़ा गुणी है, फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ आया है। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। मंथरक ने पूछा, वैराग्य का कारण? लघुपतनक ने कहा, यह बात मैंने भी पूछी थी, इसने कहा था, वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बतलाओ। चूहे ने कहा, थोड़ी देर बाद बतलाऊंगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।